यहां से आपके क्या बनेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे जो कि 3 नंबर का होगा। और भी 3 नंबर का कौन सा, गंगब्रह्मपुत्र ये बन सकता है या आपके यहां पे सिंधु बन सकता है। मैचिंग भी देखने को मिल सकता है कि आप मैचिंग करके बताओ कि ये सारे चीजों को आप अच्छे तरीके से करके जाना। मैचिंग क्या है, मोतीलाल नेहरू आपका 1935 में ये संविधान की इसकी बात की थी। यहां पे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे अध्यक्ष, मतलब नेपाल वाले टॉपिक को आप कवर करो, नेपाल वाले टॉपिक को कवर कर लोगे तो आप बढ़िया तरीके से काम कर जाओगे। ठीक, सबसे पहले काराकोरम होता है, लद्दाख होता है, जास्कर होता है, हिमाद्री होता है, हिमाचल प्रदेश और शिवालिक होता है। तो ये लाइन याद रखो, जब आप आंसर लिखोगे आंसर के अंदर में ये अगर मैप आप बना के आ जाते हो ना भाई, दिया गया। और महिलाओं को मतदान का अधिकार 1974 में जाके दिया गया, समझ रहे हो बात को। तो ये आप इतिहास के अंदर से अगर ये सारे पॉइंट इतना कर लेते हो तो आपका पॉइंट हो गया पूरा पूरा बेड़ा पार, तो आप पेपर में उखाड़ दोगे सही तरीके से। लेकिन ये जितने भी पॉइंट मेरे भाई, आप लोग क्लास 9th में हो मेरे भाई, अगर आपका 25 तारीख को SST का पेपर है तो मेरे भाई कंप्लीट इस चीज को समझ लो कि भाई आपका जो मैंने सैंपल पेपर बताया उसी तरीके का आपका पेपर होगा। क्योंकि इस बार देखो वो सैंपल पेपर प्रीवियस का है जो कि मेरे पास था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, एक आइडिया उठ गया। लेकिन भाई इस बार जो है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्लिच आ रहा है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है मामला। तो बट उसके लिए आपको क्या करना, इंग्लिश के पेपर से पता चल गया, साइंस में भी आपको सारा चीज पता ही है, बस अब आपको फोड़ना फाड़ना है कौन सा SST का पेपर। बस पॉइंट को याद रखो, जो चीज मैं आज आपको इसके अंदर डिस्कस करके बता दूं, कंप्लीट चीजों को समझ के जाना और उसी टॉपिक को इतने अच्छे से कर लेना कि भाई आपका पेपर में ना छूटे, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, समझ रहे हो सारे सारे जने। बस एक ही पॉइंट को याद रखना, बस कंप्लीट वीडियो देख लेना और बढ़िया से उस सभी को अपने माइंड में रिमाइंड कर लेना और जाकर पेपर में भाई लिख देना। अब मैं आपको लास्ट में यह भी बता दूंगा कि पेपर के अंदर में जब कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वहां पर क्या ट्रिक लगाना है और अभी टॉपिक कैसे कैसे कवर करना है, समझ रहे हो बात को। तो ध्यान से सुनो सारी चीजों को, मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देता जा रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। सबसे पहली बात देखो, ध्यान सुनो, आपका पहला चैप्टर आ रहा है हिस्ट्री के अंदर में, इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति। आपको पता है कि इसके अंदर तीन चीज की गई थी, तीन मतलब कि तीन स्टेट बांटा गया था। पहले सबसे पहले आप किसी भी कंडीशन में ना एक तृतीय स्टेट के बारे में डिटेल नोट्स तैयार करो। क्या करा मैंने, आपके पास सबसे पहले तृतीय स्टेट के बारे में सबसे पहले अच्छे से पढ़ो। आपने सपोज करो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी, फ्रांसीसी क्रांति के अंदर में सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उस पॉइंट्स को आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। आपके सबसे प्रथम स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, दूसरे स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, तृतीय स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी स्टेट के आपके पास कम से कम 5 पॉइंट याद होना चाहिए कि क्वेश्चन कोई सा भी बन जाए आप जाके उसे छाप दो, समझ रहे हो बात को। तो एक पॉइंट आपको याद करना, तीसरे स्टेट का पूरी कंप्लीट अच्छे तरीके से डिटेल आपको नोट करना है कि इसमें जैसे मान लो आपका पेपर आएगा तो आप इन सब चीजों क्या कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ। ध्यान से सुनते जाना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ी होगी तो पॉइंट याद रखना कि आपको इसके चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने, क्योंकि हिस्ट्री में जो 5वां चैप्टर आपका आ रहा है वो आप सिलेबस सही से जाकर देखो, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। इस चैप्टर से आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, ये तीनों चीज आप कंप्लीट अच्छे तरीके से पता करके रखो। और ये भी देखो 60% जमीन पर कुलीन चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों की अधिक कर था। तो इस तरीके की चीजें बढ़िया से पॉइंट करके चलो, क्योंकि ये सारे पॉइंट पता है कहां पे आपके आएंगे, ये जो जितने भी पॉइंट आपके डिटेल पॉइंट जितने भी ये आपके MCQ और असेसन रीजन में आएंगे। और MCQ देख लो कितने सारे आ रहे हैं, आपके फिलर भी आ रहे हैं। तो मेरे भाई एक ये तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला टाइल उसे टाइड कहते थे, तृतीय स्टेट से सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले टाइल को कहते थे टाइले, कौन सा कहते थे भाई टाइल। तो ये भी टाइड और टाइल ये दोनों याद रखना, मे भी आपके MCQ में पूछ जाए तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, बस इस गड़बड़ मत करना यहाँ पे, समझ गए भाई यहाँ पे। उसके बाद में अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे 1774 में लुई 16 जो है फ्रांस की गद्दी पे आसीन होता है, मतलब बैठता है, वह फ्रांस के बूर्वो राजवंश का था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखो, ये कहीं ना कहीं आपके क्या कर सकता है, MCQ से पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस लुई 16 था किस राज्य से बिलोंग करता था, तो ये ब्रूबो राज्य से बिलोंग करता था और उसकी जो शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एनितो एंटेस हुई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वहां पे जो है किस तरीके से ब्रिटेन फ्रांस के अंदर में सारी चीजें लूट गई, तो वो भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भैया वहां पे किस तरीके से उनके बाप दादे अय्याशी करके गए थे, इसलिए सारा सारा मामला खराब हो गया था। उसके बाद में स्टेट जनरल की बैठक कब हुई है, तो स्टेट जनरल की बैठक जो थी 1789 में हुई थी। तो ये आपके MCQ में बनेंगे। क्या बोला, आपको दोबारा चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस कंप्लीट इस चीज को कर लो और इसके बाद में बढ़िया तरीके से नोट्स अपना तैयार करो। नोट्स तो आप कर नहीं पाओगे, NCERT को पढ़ लो, टू द पॉइंट NCERT पढ़ लो, समझ रहे हो बात को, सपोर्ट पढ़ लो भाई।
लेकिन सपोर्ट को पढ़ने के तरीके हैं भाई। देखो 1799 में जनरल स्टेट की बैठक हुई थी, ये पॉइंट याद रखना। स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर, ये भी पॉइंट आप याद रखना, असेशन रीजन में काम आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। अगला मैं यहाँ पे चलता हूँ कि भाई यहाँ पे कूरभीड़ की बस्तिल के किले को तोड़ दिया गया था, राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। अब देखो ये पॉइंट आपके पास में, ये कितने पॉइंट, इतना अच्छा पॉइंट है कि जब आप बड़े आंसर लिखोगे तो ये सारे सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, डेटा के साथ लिखोगे। और जब भी कभी भी आप कंप्लीट आंसर लिखोगे तो जैसे सपोज करो आपने यहां पे ये आंसर लिखा, सपोज करो आपने किसी का ये आंसर लिखा, तो ये आपने आंसर लिखा तो जैसे मान लो यहां पे लुई 16 का बात आ गया, यहां पे अपनी सत्ता के संविधान की बात आ गई, तो इस तरीके के चीजों को, जैसे 4 अगस्त 1789 की बात आ गई, असंवैधानिक राजतंत्र की बात आ गई, जो आपके पूरे आंसर की में, आंसर शीट के अंदर में जो सबसे वैल्यूएबल पॉइंट होगा उसे आप अंडरलाइन जरूर करके आना। और मैंने आपको पहले इंग्लिश वाले पेपर में बता दिया था रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक भाई। तो ये पॉइंट समझ गए यहां पे, तो बढ़िया तरीके से। अब अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी रखो, ये 1791 के अंदर फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी, तो एक एमसीक्यू आपके यहां से भी बन सकता है कि सबसे पहले फ्रांस के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीट किया गया, तो ये क्या होता 1791 के अंदर में, ठीक भाई। अगला पॉइंट चलते हैं, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, और आके देखते हैं यहाँ पे जिनकी उम्र अधिक, ये तो हटा दो यहाँ पे। फिर अगला जो है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 अगस्त 1792 को जोकोबिन क्लस के सदस्यों को रेबिसुलेट के नाम से शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो ये भी पॉइंट याद रखना कि जो जोकोबिन क्लब के जो सदस्य थे उन्होंने कब विद्रोह किया, तो वो 1792 में किया, और सितंबर 1972 फ्रांस के राजतंत्र घोषित कर दिया गया, तो ये भी पॉइंट याद रखना 1792 में क्या किया गया, गणतंत्र घोषित कर दिया गया, तो ये भी पॉइंट याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाएगा तो वहां गड़बड़ मत करना मेरे भाई, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए यहां पे। अगला पॉइंट देखो, अगला है आतंक का काल, मतलब कि टेरर, क्या कहते हैं इसे, 1793 से 1794 के बीच को क्या कहता है, आतंक का काल कहा जाता है, मतलब टेरर, हॉरर, टेरर कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझ गए भाई यहाँ पे। अगला जो पॉइंट है आपके पास सबसे ज्यादा, यहाँ पे 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था, कौन बना था, नेपोलियन बोनापार्ट भाई, समझ रहे हो यहाँ पे, तो ये करेगा और डायरेक्टली खत्म कर दिया, और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया, तो ये भी पॉइंट याद रखना, 1804 में फ्रांस के सम्राट कौन बनता है, ऑप्शन में दे देगा लुई, देगा लुई 16, 14, 15 दे देगा, बोनापार्ट देगा, तो ये पॉइंट याद रखना, ये आपके पास बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का वहां पे हो गया था, और वाटरलू की लड़ाई में उसकी पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया, बंदी मतलब समझ रहे हो ना क्या, यहां पे मतलब उसे घेराबंदी करके, मतलब उसे अपने कैद कर लिया गया, ठीक है भाई, तुम लोग उल्टा सीधा मत सोचा करो भाई, सीधे नहीं हो, ठीक है भाई, समझ गए यहां पे। अगला पॉइंट देखते भाई, यहां पे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, कब, 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, और महिलाओं को मतदान का अधिकार 1974 में जाके दिया गया, समझ रहे हो बात को, तो ये आप इतिहास के अंदर से अगर ये सारे पॉइंट इतना कर लेते हो तो आपका पॉइंट हो गया पूरा पूरा बेड़ा पार, तो आप पेपर में खार दोगे सही तरीके से, लेकिन ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया ये पता होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट पॉइंट आप जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनते जाना। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज में स्थिति, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, क्या बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर बनते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट और क्लियर करता हूं मैं आपको, देखो भाई जितने भी हमारे शेष सैनिक हैं आपको मैं एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पे, फोकस करो। सबसे पहला पॉइंट, अगर एसएसटी के अंदर में सपोज करो कोई क्वेश्चन टू द पॉइंट नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट आपको टू द पॉइंट याद होना चाहिए, क्या बोला मैंने, पॉइंट आपको टू द पॉइंट याद होना चाहिए, फ्रेज बन गया भाई, तो लेकिन यही सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख के आओगे, एसएसटी के अंदर में कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा पेपर छूट गया, क्या हुआ, ये हुआ भाई, ऑफलाइन में मैंने खदेड़ दिया 2-3 को भाई, जिनने बोला पेपर छूट गया साइंस का पीछे के 2-4 क्वेश्चन भाई, समझ रहे हो बात को यहाँ पे, तो आप लोग को कुछ नहीं सोचना है, शिद्दत से जो चीज बता रहा हूं आप करो, कोई लंबी क्लास करने की जरूरत नहीं, पहली बात ये बता दी मैंने, ये कंप्लीट वीडियो बाद आप एनसीईआरटी उठा लेना, 2 दिन एनसीईआरटी रगड़ दो, बढ़िया तरीके से सारा काम सेट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, और सैंपल पेपर जरूर देख के जाना, जो मैंने आपको बताया उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और एनसीईआरटी का थ्रोली रीड करके जाना, जिससे एमसीक्यू आपकी गलत ना हो, अगर इतनी बातें समझ आ गई ना, अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारे लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं, तो भाई इसके लिए एक लाइक चाहिए, और इस वीडियो पर मैं चाहता हूं 1K लाइक होना चाहिए मेरे भाई, अब ये आप लोग के हाथ में, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है, पर फाइनल के लिए टेंशन मत लो, आग लगा देंगे फाइनलों में, समझ रहे हो, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे होगा, फ्रांस की क्रांति के समय समाज की स्थिति कैसी थी, तो पहला पॉइंट आपका ये बन जाएगा, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ रहा खर्च बोझ का हो गया, ये बेफिजूल के खर्चे की वजह से हो गया, जीविका संकट की वजह से, जन्म के आधार पर अधिकार के विशेष अधिकार मतलब प्रिविलेजेस, ये सारे पॉइंट आप उसके आंसर में लिख सकते हो, तो समझ गए यहां पे, तो ये पॉइंट अगला, और अगला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन ना भी बने तो क्या करना है, इन पॉइंट को बना के आपको आंसर में छाप के आना,
बनाना है, समझ रहे बात को। देखो पहले फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, तीन कारण लिखो, सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था। अगर सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने यहां पे आंसर लिखा, पहले तो फ्रांस की क्रांति को डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद पहला पॉइंट लिखोगे राजनीतिक, दूसरा पॉइंट लिखोगे आर्थिक, तीसरा पॉइंट लिखोगे सामाजिक, और उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे, समझ रहे हो। आंसर राइटिंग का यही एक सबसे बड़ा तगड़ा पॉइंट है, अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई आपका काम सेट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ये पॉइंट समझ गए, उसके बाद अब आगे देखते हैं। देखो ये जो है यहाँ पे आपके MCQ भी इस तरीके के पूछे जा रहे हैं, जैसे आपके पास चलो एक पॉइंट आ गया, अभी देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट कौन था, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, रूसो था, लुइस 14 था, 16 था, आबेसिए था, या हटाबे आबेसिए, तू हट, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भाई क्या कौन सा था, यहाँ पे मुझे अभी सभी का, आप सभी का क्या चाहिए कमेंट चाहिए मेरे शेयर शेयर नहीं, समझ रहे हो बात को। और भाई एक लाइक तो बनता है, और ये वाला पॉइंट आप चेक करके जाओ, क्योंकि ये आपके सैंपल पेपर में भी आ रखा लास्ट ईयर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये नेपोलियन ने, ओबेसिए ने, रूसो ने, या सेवियर ने, आई थिंक किसने लिखा था, रूसो ने लिखा था भाई, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। लुई 16 जो किस राजवंश का था, तो ये आपने ऊपर देखा, ये मुझे बता दो आप भाई इस किस राजवंश का था। चलो मैं आपको कार्ड देता हूँ, लुमनी कार्ड देता हूँ, और लोबार्डी कार्ड देता हूँ, आप लोग मुझे इसका कॉमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, समझ रहे हो। तो आपके MCQ कुछ इस तरीके के बन सकते हैं, तो भाई ये भी पॉइंट आपको याद रखना। देखो मुद्रा आ गया, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो ये भी पॉइंट अभी आपने पढ़ा कि सम्राट जो है फ्रांस का सम्राट कब बना, तो ये भी पॉइंट आप याद रखो। चलो इसको दोनों कार्ड देता हूं, आप दोनों इनमें से मुझे कमेंट करके बताओ, जितने क्वेश्चंस आप कमेंट करते जाओ उतना चीजें आपको याद होती जाएगी, ठीक है भाई। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलते मेरे भाई, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको मैं एक बार बता देता हूं, और ये भी एक बार पिक्चर देख लो, क्या पता कभी कभी आ जाए कि नीचे दिया गया किसका प्रतीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये फ्रीडम मतलब आजादी स्वतंत्रता का एक प्रतीक है, ठीक भाई, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो चलो आगे की ओर चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आपके देखो यहाँ पे कि अब देखो अर्सेसन रीजन जो है आपके कथंक और कथनांक, मतलब क्या, तो भाई कथंक और कथनांक आप एक पॉइंट देखो, अभी आपने ऊपर चैप्टर पढ़ा, चैप्टर को मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दिया, आपने देखो निम्नलिखित प्रश्नों के दो कथन है, कथन एक कारण, आर मतलब इसके दिए गए रीजन है। देखो पहला अर्सेसन जो है अंत में 1946 में फ्रांस की महिला को मताधिकार प्राप्त हुआ, अगर आप जब तक चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो अर्सेसन रीजन कैसे सही कर पाओगे, तो ये आपका तो रीजन सही, सॉरी अर्सेसन सही हो गया। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट वैल्यू बता रहा हूं मेरे भाई, समझे। तो अगला पॉइंट चलो, इसीलिए क्योंकि मैं चाहता नहीं भाई आपका एक भी पेपर छूटे, इसलिए इतना लंबा समय लेकर दे रहा हूं आपको, वरना भाई मैं सीधा सीधा क्वेश्चन ही बता देता। अभी पॉइंट देखो, तीन या पांच अंक वाले क्वेश्चंस, और भाई हमेशा याद रखना कि जब भी SST का पेपर बना है आप जाके प्रीवियस कितने भी साल का चेक कर लो, जितने भी आपके सपोर्ट मटेरियल से पूरे पूरे पेपर छपते हैं, इसीलिए तुम्हारा भाई इस चीज को ज्यादा ज्यादा प्रिफेयर करके देता है। जहां पर लगता है जैसे मैथ्स में नहीं आ पाता वहां से, तो तुम्हारा भाई मैथ्स का अपनी तरफ से करवा देता है, जहां पर लगता है। हर चीज का एक पैटर्न होता है यार, हर चीज का अपने आप से समझने की एक मतलब कैपेबिलिटी होती है कि कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता। देखो भाई लुई 16 के राज्यद्रोह के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, और आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो लास्ट के केस बेस आएंगे उनको अच्छे से करना आप। देखो समझ गए यहां पे। अगला फ्रांसीसी समाज की महिलाओं के जीवन कैसा रहा, एक ये पॉइंट कर देना। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, यहां पे इसके बारे में थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में बता देना आगे, फिर नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में 1971 के अंदर में जो कानून बना था वहां पे तीन विशेषता बताएं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिमाइंड होना चाहिए। तो इस तरीके की सारी चीजें आप करके जाओगे तो आपका वहां पे भाई काम बन सकता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। और ये आपके जितने भी स्रोत आधारित आएंगे, जितने भी आपके केस बेस्ड आपके जैसे तीन चार आ जाएंगे, तो भाई हर चैप्टर से आएंगे, हर चैप्टर इन द सेंस हर बुक से आएंगे, तो ये पॉइंट आपको यहां पे समझ आ जाना चाहिए। ये हिस्ट्री अगर आपने इतना कर लिया तो सफिशिएंट होगा, और थोड़े बहुत पॉइंट पढ़ लो, बढ़िया से पेपर छूटना नहीं चाहिए भाई, ठीक है भाई। और अगला पॉइंट देखते हैं, क्योंकि इससे पांचवा चैप्टर भाई आप एक बार नॉर्मली रीडिंग कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट चलो देखते हैं मेरे भाई, ज्योग्राफी का जो आपके तीन चैप्टर आ रहे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है भारत के आकार और स्थिति, आपको पता है कि यहां से आपके क्या बनेंगे, MCQ बनेंगे, तो ये पॉइंट याद रखना। और ये सारी चीजों में जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो लास्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.4% है ये था, और ये जो था कुल क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, ये सातवां है, और क्षेत्रफल के आकार से बड़े देश का नाम मतलब आपको मतलब लगाने के लिए भी आ सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो ये भी पॉइंट याद रखना यहां से। और उसके बाद में देखा जाए तो ये भारत की स्थिति जो स्थल सीमा है ये 1500 किलोमीटर 15200 किलोमीटर है, और भारत की समुद्री सीमा क्या है 15775 मतलब 751.6 किलोमीटर है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब भारत की मानक न्यूनतम कितना है 82.5 डिग्री पूर्व है, जब मतलब जहां से नापा जाता है, भारत की मानक न्यूनतम कितना मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से नापा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहां से आप जरूर कर लेना। जैसे आपने अभी देखा कि ये जो है आपके सैंपल पेपर में जो सैंपल पेपर में ज्योग्राफी
ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन दिया था कि अगर सपोज करो एमसीक्यू में आपका कोई मित्र है भारत के कौन से पड़ोसी देशों से नहीं लगता, उसमें ऑप्शन दे रखा था भूटान, श्रीलंका, तजिकिस्तान, ऐसा वाला आंसर था, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी देश कौन कौन से है। ठीक भाई, अगला पॉइंट देखते हैं मेरे भाई। यहां से अगला पॉइंट जो बड़े हैं, एक पॉइंट रखो, ये जो भारत वह कौन सी रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये कर्क रेखा है जो आपको होता है ये निकलती है यहां पे 23 degrees 1.5 ऑफ नॉर्थ से, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक भाई, समझ गए। अब चलते भाई लॉन्ग क्वेश्चंस में, ये भी पॉइंट आपको याद रखने की बात है, नॉर्थ से साउथ भारत की लेंथ कितनी है, ये पॉइंट आपने देखना है कि अगर अब ये देखो अगर मान लो बड़े लेवल पे कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का, तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए भारत का युमतर देशांतर क्या है, किस स्थान से होकर गुजरती है, तो आपको बताना चाहिए मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो एमसीक्यू भी कुछ और मतलब रिलेटेड चीजें आएंगी, आप टेंशन मत लेना, थोड़ा सा भाई आपको वॉइस टक टक की आ सकती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम साइड में चल रहा है, बट वीडियोस तो बहुत ज्यादा जरूरी थी मेरे भाई, इस चीज को प्लीज थोड़ा सा आप कवर करना। अगला पॉइंट देखते हैं जो बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो 3 और 5 नंबर में जो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार करके जाना, भारत के या अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी भारत के गुजरात के पश्चिमी भाग के, देखो गुजरात के पश्चिमी भाग के मध्य 2 घंटे का अंतर क्यों होता है, अब भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रहना है। ठीक भाई, अपना पॉइंट समझ गए। यहाँ पे हिंद महासागर भाग केंद्र स्थिति किस प्रकार से लगभग है, ये तो मैं कह नहीं सकता कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको क्या करना है डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेना, अब इसके बाद आपको समझ आ गया होगा। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं भाई, जो भी इसका अगला चैप्टर है, जो अगला चैप्टर इसका कौन सा है, एक पॉइंट ये मैं आपको बता देता हूं, ये देखो भारत का जो मैप है, ये पॉइंट एक बार आप मैप ये समझो कि जो ये ऊपर है, ऊपर 37 degrees 6 minutes है, नीचे जो 8.4 है, यहां पे 97.25 है, यहां पे 68.2 है, ये आप भारत का मैप देख लेना, यहां से भारत का क्या होता है समय निकलता है, ये आपके मिर्जापुर बीच में यहां पे पड़ते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक भाई, समझ गए। दूसरा पॉइंट है आपके, और ये वाले पॉइंट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट क्यों पॉइंट है, यहां से तीन चैप्टर ज्योग्राफी से आ रहे हैं क्योंकि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, तो इस पॉइंट को आप समझो, जिसमें कि भारत के दूसरा मतलब कि अध्याय दूसरा है भारत के भौगोलिक स्वरूप, जिसमें कि आपके 6 चीज याद रखना है, हिमाचल प्रदेश क्या है, उत्तरी मैदान क्या है, प्रायद्वीप मैदान क्या है, भारतीय मरुस्थल क्या है, तटीय मरुस्थल क्या, द्वितीय समुद्र क्या है। तो मेरे भाई ये सारे पॉइंट के बाद में ये आपके मैप है, मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताना चाहता हूं, इस पॉइंट को आप याद रखना क्योंकि आपके यहां पे अर्सेशन रीजन भी बन सकते हैं, जैसे आपने हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना, भारत को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो है तीन भागों में बटे हुए हैं क्योंकि आपको यहां से पॉइंट पता चलेगा, हिमाद्री हिमालय, ये हिमाचल प्रदेश, और शिवालिक, इसके बारे में आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, हिमाद्री हिमाचल और शिवालिक, तो यहां से गड़बड़ मत करना, यहां से जरूर करके जाना। जैसे आप यहां पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर में, सबसे पहले काराकोरम होता है, लद्दाख होता है, जास्कर होता है, हिमाद्री होता है, हिमाचल प्रदेश और शिवालिक होता है, तो ये लाइन याद रखो, जब आप आंसर लिखोगे आंसर के अंदर में ये अगर मैप आप बना के आ जाते हो ना भाई, भले मैम को टीचर को नहीं पता होगा पर उनके भाई नंबर वो काट नहीं सकते क्योंकि आपको पूरे नंबर देंगे क्योंकि भाई आपने ये सारा काम किया है। समझ रहे हो बात को, तो भैया थोड़ा सा दूसरे से आंसर राइटिंग को अच्छा करो जिससे कि आप बेहतर बन पाओ। अगला पॉइंट यहां पे आपके एक पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, ये पंजाब हिमालय कहलाता है, ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है, ये आपका नेपाल हिमालय कहलाता है, ये आपके असम हिमालय, और ये होता है आपका पूर्वांचल हिमालय, तो ये भी पॉइंट आप एक बार क्या करके चलो, अगर मैप आप आ जाता है तो कहीं आप किसी चीज में नीचे ना हो पाओ। अब यहां पे देखो ये जो तीनों रीजन है, जैसे आपने पंजाब हिमालय की बात की, कुमाऊं हिमालय की, नेपाल की, असम की, पूर्वांचल की, तो ये सारे सारे आप करके चलो किस किस नदी के बीच में है, सतलज और सिंधु नदी के बीच में कौन है, पंजाब हिमालय है, सतलज और काली नदी के बीच में कौन है, कुमाऊं हिमालय है, काली और तिस्ता नदी के बीच में कौन है, नेपाल हिमालय है, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा, असम है, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पॉइंट आप करके चलो। समझ रहे हो बात को यहां पे, तो अगर भाई आपने यहां तक देखा है, अगर आपको सही लग रहा है प्लीज यार एक बार लाइक जरूर करना, 1000 इस वीडियो पर लाइक चाहिए, मैं देखना चाहता हूं क्या हमारे शेर श्रेणी में इतना दम है या नहीं, आप लोग एक बार अपना हौसला दिखा दो, क्लास 10th में आ जाना भाई, और 9th में बता रहा हूं, प्रॉमिस करो सारे सारे बच्चे पास हो गए, बस चीजें समझते जाना जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने इस चैनल पर भाई वैल्यूबल कंटेंट डलते हैं, इधर उधर की चीजें नहीं डलती क्यों भैया, ऑफलाइन से फुर्सत नहीं होता है, समझ रहे बात को, लेकिन आप लोग भाई इतना प्यार है, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया है, डेफिनेटली तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए पीछे खड़ा होगा, टेंशन मत लो, बस यही है। आप लोग भाई अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्त यार में, प्लीज यार एक दोस्त में तो जरूरी बता सकते हो अपने एंड से, ये पॉइंट समझ गए। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि ये जो मैदान है जो उत्तरी मैदान है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा उत्तरी मैदान में कौन सा मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें आएगा भाई। तो अब पॉइंट देख लो यहाँ पे, ये आपके पास एक बड़ा पॉइंट बनेगा, बड़ा मतलब कि यहां से एक आंसर बनता है, जैसे मान लो पंजाब का मैदान है, गंगा मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र मैदान है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि पंजाब के मैदान के बारे में बताओ, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में बताओ, तो यहां से आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, तो ये भी पॉइंट आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। ये प्रायद्वीप पठार मतलब दक्कन का पठार, छोटा नागपुर और मालवा का पठार, ये सारे पॉइंट्स देखो जिससे कि आप बढ़िया लेवल पे काम कर पाओ। समझ रहे हो, पॉइंट समझना, अभी इसके बाद ना
करना, आप एनसीईआरटी पढ़ना, समझ रहे हो। जो भाई छोड़ना चाह रहा हो छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भाई जो भी अगर यहाँ तक देख लो आप करो, समझ रहे हो भाई, बहुत बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, समझो इस बातों को। तो देखो यहाँ पे मरुस्थल की बात करके यहाँ पे छोड़ो, अब मैं क्वेश्चंस में आ जाता हूँ जहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, टट्टे वाला और ये वाला, ठीक है भाई। पूर्वी और पश्चिमी यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएट बता दूंगा, यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर लेना जिससे कि आप पूरे पूरे नंबर ला के आ सकते हो। देखो भाई एक आपके पास ये आ गया, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, अगर मान लो कभी इस तरह का आता है तो आप भाई भारत का मैप बना सकते हो, जिससे कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे कि आप एक अच्छा आंसर राइटिंग करते हो। आंसर राइटिंग करने के बाद आप अपने आप को भाई बहुत अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि भाई दुनिया बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये आपके डिफरेंशिएट भी करके जाना पश्चिमी घाट और ये आपके पूर्वी घाट के बीच में, समझ रहे हो बात को। तो यहां से सारी चीजें, और कभी-कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भाई यहां पे पूर्वी घाट का सबसे बड़ा मैदान वो जो शिखर कौन सा है, तो ये महेंद्रगिरी है, इस पॉइंट को याद रखना, और पश्चिमी घाट का अनाईमुदी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई कुछ नहीं पता कब क्या पूछ दे, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि आपने इंग्लिश का पेपर देख लिया होगा। इंग्लिश के पेपर के बाद देखो किसी भी तरीके का भाई गलती मत करना, क्योंकि इंग्लिश के पेपर ने ये बता दिया है कि इस बार जो मिड टर्म का सैंपल पेपर नहीं दिया, उस हमने तो हम तो भाई चलो आप एक्स्ट्रा दिमाग ला के अपनी चीजों को हमने क्वालिफाई कर लिया, हमने देख लिया कि भाई एक आइडिया ले लिया मारा मोटा कैसे पेपर आएगा, लेकिन भाई सोचो जिसने नहीं देखा होगा उसका क्या हालत होने वाली है, ठीक भाई। वो भी साइंस में भी रो रहे होंगे जो नहीं देख के गए, नहीं करके गए होंगे। तो ये पॉइंट आपको यहां तक करना है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू आ जाएंगे, एमसीक्यू भाई आप कर ही लोगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक भाई। तो अगला पॉइंट हो गया, तो चलो एक क्वेश्चन आपके पास ये है कि चिल्का झील जो है किस राज्य में, बताओ किसमें। चलो केरल काट देता हूं और गुजरात काट देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए, और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने पढ़े हो अभी तक, ठीक भाई। इसका सभी जने कमेंट करना प्लीज यार, ठीक भाई। ये पॉइंट समझ गए, उसके बाद में देखते हैं अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने यहां देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया 3 से 5 नंबर वाला, इतना पी के चले जाओ भाई बढ़िया तरीके से। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो उत्तरी मैदान के वर्णन प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं को वर्णन करे, और यहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है किसी तरीके से, पश्चिमी घाट मैदान और पूर्वी घाट मैदान, अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेते तो आप ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे। उसी तरीके से जब ये सारी चीजें हो जाएगी, चाहे हिमाचल की बात करें, हिमाद्री की बात करें, शिवालिक की बात करें, जो भी आपने रेंज पढ़ा है उस रेंज को आप एक बार 2 से 3 पॉइंट में बना के लिख लो, आप भाई वहां से काम कर जाओगे, समझ रहे हो मेरे भाई हो। ये इतना पॉइंट कर लो जिससे कि आप अपने लेवल पे अच्छा सारा आंसर कर पाओ, ठीक है। और ये आपको पेपर के अंदर में ये गोंडवाना लैंड भी देखने को मिल सकता है 100%, ठीक है भाई। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ये प्रायद्वीप का भाग है, किसका भाई, ये महाद्वीप का भाग है, किसका भाई, महाद्वीप का भाग है, कौन सा, गोंडवाना लैंड, ये पॉइंट याद रखना यहां पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, तो अगला पॉइंट अब देखते हैं जो आपका प्रवाह तंत्र है वहां पे कौन-कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं जिससे कि आप अच्छे लेवल पे काम कर पाओगे, ठीक भाई। तो अपना पॉइंट बढ़िया लेवल पे आंसर को करेक्ट करो शिद्दत से, क्योंकि भाई देखो अभी एसएसटी में नंबर खींच लोगे तो आपके पास भाई बहुत अच्छा नंबर मौका हो जाएगा कि दुनिया से अच्छा परसेंटेज बनाने का, तो यही एक मौका आपके पास में भाई, लपेट दो बढ़िया तरीके से आंसर। अगला देखो कौन सा है, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में क्या है, अपवाह आप जानते हो क्या होता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जो नदियां बहती है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक भाई। यहाँ पर देखो अब ये पॉइंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट में 2 चीज़ें याद रखो कि ये भारत की नदियों के 2 मुख्य वर्ग कौन कौन से, एक तो ये आपके हिमालय नदी आता है, एक आपके प्रायद्वीपीय नदी आती है। हिमालय नदी में कौन कौन सा आता है, एक तो सिंधु नदी तंत्र आता है, गंगा नदी तंत्र आता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। इसको तो आप इतने इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो ना, ये भाई 200% आपके पेपर में आएंगे, कितने 200% बोल दिया तो बोल दिया। उसके बाद प्रायद्वीप महाद्वीप के अंदर में आप कर लो किसी के बीच में आ सकता है, गोदावरी भी आ सकता है या कृष्णा भी आ सकता है, वैसे देखा तो नर्मदा ज़्यादा पूछा गया है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, समझ रहे हो बात को। अरे भाई इतना तक समझ आ गया, एक बार लाइक तो कर दो मेरे शेर से नहीं हो, समझ गए। तो ये पॉइंट इतना, और इस पॉइंट को आपको तैयार करना अच्छे लेवल पे जिससे कि आप सही से आंसर कर पाओ। ये तो आपको मतलब कि ऊपर डिटेल है, डिटेल में इतना जाना नहीं है, बस आपको क्या करना है सही तरीके से कुछ पॉइंट्स को याद रखना जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा सिंधु जल समझौता जो है ये 1960 में भारत इस नदी के तंत्र के हिसाब से 20% जल यूज करेगा और 80% जल जो है यहां पे पाकिस्तान यूज करेगा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ठीक भाई। यहां पे हिमालय नदी और प्रायद्वीप नदी बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि यहां से यही सारी चीजें आ सकती है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमाद्री से निकलती है, जहां पे अलकनंदा और उत्तराखंड देवप्रयाग में इससे मिलती है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखो, क्या पता अर्सेशन रीजन में ये सारी चीजें पूछा जा सकता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, समझ रहे बात को। अगला जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो बोला जाता है, कहां पे, तिब्बत के अंदर में, अब बांग्लादेश में बोला जाता है, यमुना, यमुना मत समझना, क्या बोला है, यमुना बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी को यमुना बोला जाता है, कहां
कहां पे, बांग्लादेश के अंदर में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, तिब्बत के अंदर में सांगपो। तो ये भी पॉइंट याद रखो, पिछले बार हजारों बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो इस तरह की चीजों का आ सकती है। और उसके बाद नमामि गंगो प्रोजेक्ट के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना, जो कि 2014 में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक भाई, अगला देखो झीलों की उपयोगिता, ये तो आप समझ ही आओगे, लिखी दोगे झील विल की उपयोगिता, ये पॉइंट समझ गए। यहां पे दक्षिण देखो एक ये मैंने भाई एमसीक्यू में भी दिए थे, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बताओ दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। चलो चंबल हटा देता हूं और यहां पे आपको तुंगभद्रा या कृष्णा हटा देता हूं, आप लोग बता सकते हो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, मतलब कि ये वाला साउथ मन यहां पे इस वाले में बताओ मेरे भाई, आप लोगों ने पढ़ा है ना? अरे हाँ या ना, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मुझे पता है कि आप लोगों ने सबने पढ़ा है सही तरीके से, और भाई गेम बनाने वालों बस यहां तक आप कंप्लीट चीजों को समझते जाओ और अपना आंसर राइटिंग इसके बाद करना। समझ गया भाई? चलो भाई लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके क्या आ सकता है। और इस वाले चैप्टर से आपके पास जो ये वाला है, यहां से आपके क्या बनेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे जो कि 3 नंबर का होगा, और भी 3 नंबर का कौन सा, गंगवर पुत्र ये बन सकता है या आपके यहां पे सिंधु बन सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना, इसके बीच में गंगा भी थोड़ा पढ़ के चले जाना, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु को आप बहुत दिल दिमाग से पढ़ के जाना, अगर आपने इतना कर लिया तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये नदियों के प्रदूषण के कारण यहां पे आपके क्या बनेंगे, केस बेस बन सकते हैं इन सब बिहाफ पे, तो आप लोग टेंशन ना लो। और नदियों के आर्थिक महत्वपूर्ण का विश्लेषण करें, तो मतलब इस चैप्टर के अंदर से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे जो 3 नंबर का हलवा सा क्वेश्चन बनेगा, जिसमें कि आपके नदी सिंधु नदी और यहां पे ब्रह्मपुत्र और नदियों के आर्थिक महत्व को विचलना, आप इतना कर लोगे तो भैया इतना सफिशिएंट आपके लिए। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। ठीक है, इतना हो गया, बस इसमें तो आपको इतना चीजें करनी है, बस आगे आपको टेंशन नहीं लेनी। अब एक पॉइंट याद रखो, यहां तक आपने ज्योग्राफी में ये पॉइंट तैयार करो, अपना एनसीईआरटी में बैठो। अगर भाई यहां तक अगर आप लोगों ने देखा ना, मैं एक चीज चाहता हूं कि यहां तक मैं देखता हूं कि हमारे शेर से निकलकर कितना मतलब जुनून है कि भाई वो फोड़ने के लिए तैयार है एसएसटी को भी, जिससे कि परसेंटेज उनकी अच्छी बन सके और मिड टर्म में पास होकर फाइनल में डायरेक्ट पास हो सके। मेरे भाई अगर आप तक यहां तक कर चुके ना, अगर आपने यहां तक देखा है, आप लोग कुछ मत करना, बस एक ना फटाफट से बढ़िया तरीके से एक आप इंडियन फ्लैग फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के दिखाना भाई, देखते कितने शेर से निया, और इमोजी के अंदर इंडियन फ्लैग सही से सिलेक्ट करना। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट है, समझ रहे हो बात को? चलो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ। अगला मैं आपको पॉलिटिकल का बताता हूँ भाई। अब जो है आपके पास या राजनीतिक विज्ञान की बात करें, पहला चैप्टर, क्योंकि इसमें आपके कितने चैप्टर आ रहे, 2 चैप्टर आ रहे मेरे भाई, उसको बंद कर दे कोई दिक्कत नहीं है, वो वाले सेंटर को बंद करवा दो आज, कोई दिक्कत नहीं है लेने की। एक मिनट भाई, नहीं तीनों टीचर को छोड़ दो वहां पे, हाँ बोल दो ट्यूसडे से लेंगे क्लासों पे, ठीक है। 12th वाले को भी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या था, अध्याय 1 में देखते हैं लोकतंत्र क्या है, अलोकतंत्र क्यों है, ये भी पॉइंट आपको बताऊं चाहिए, लोकतंत्र क्या है, अलोकतंत्र क्यों है। अगला देखो यहाँ पे, इसमें से आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये भी पॉइंट आपको बढ़िया से समझना है कि सबसे पहले एक पॉइंट देखो, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन का यह रूप है जिसमें शासकों का चुना जाता है, जो कि आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है सेशन रीजन के लिए। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। इसको किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो अब्राहम लिंकन कहाँ का प्रेसिडेंट था, क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो? कि चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, ब्रिटेन का या यहां का यूएसए का या यहां पे रशिया का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वे जो था अब्राहम लिंकन कहां के प्रेसिडेंट थे। ठीक है भाई, जो इन्होंने ये बात कही थी, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो चलो अगले पॉइंट देखते हैं, इसमें बड़े क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, कानून राज्य का राज और अधिकार, कहने का मतलब हो गया ये जो हमारे पास पूरा पूरा ये जो लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है लोकतंत्र के पास, जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं याद रखना। अगर लोकतंत्र से कुछ भी चीजें आता है, लोकतंत्र हमारे लिए क्यों जरूरत है, लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, लोकतंत्र से हम क्या एडवांटेज हमारे पास, तो आप ये सारे सारे पॉइंट लिख सकते हो। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथों में होता है, एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है, कानून का अधिकार होता है, हमें अपने भागीदारी हम अपने दिखा सकते हैं, स्वतंत्र निरपेक्ष होता है, मुकाबला सार्वजनिक वैश्विक मत अधिकार होता है, मतलब यही तो एक लोकतंत्र है मेरे भाई। आप बनाने के लिए भी सक्षम रहना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ना मत भाई, बना के आना बस कैसे भी करके आना। ठीक भाई, तो ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो भाई ये पॉइंट आपको बताएं, जैसे कि अभी आपने देखा किस नेता ने बताया कि जर्मनी में तानाशाही, हटाओ उसको, किसी एक देश का नाम था जो लोकतांत्रिक नहीं है, चलो एक पॉइंट बता सकते हो ऐसा कोई देश, चलो ये भी छोड़ो। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया था, तो ये भी पॉइंट अभी आपने देखा ऊपर, तो ये तरीके के पॉइंट आपके पेपर में बनेंगे भाई, तो आप लोग करके जाना। ठीक है भाई, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से करना, और मैं आपको इसके अंदर में लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आपके बन सकते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्या आप ये देखो, क्या आप नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था अपने मत के पक्ष में, तो आप ज़्यादा मत करो, सीधा सीधा नेपाल वाले टॉपिक को आप कवर करो, नेपाल वाले टॉपिक को कवर कर लोगे तो आप बढ़िया
बढ़िया तरीके से काम कर जाओगे। ठीक भाई, यहाँ पर लोकतंत्र की मुख्य विशेषता बता, और लोकतंत्र जो है भारत के पक्ष में आप चीजों को बताना, लोकतंत्र जो है ना भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, भारत के पक्ष में कैसे काम करता था, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लोकतंत्र सरकार की विशेषता आपने देख लिया। गैर लोकतांत्रिक हताओं, एक व्यक्ति एक वोट की मील से क्या अभिप्रिय है, कि मतलब एक व्यक्ति और एक वोट से किसी भी देश के अंदर में क्या फर्क पड़ता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है। आप इस तरह के कभी टॉपिक कंप्लीट तैयार करो मेरे भाई, क्योंकि SST के अंदर मैंने क्या बताया था शुरुआत में, यह SST के अंदर में एक्सपेक्टेड चीजें होती है, कंप्लीटली टू द पॉइंट आपके क्वेश्चंस नहीं बनेगा, बस आपको घुमा फिराक बनेगा, इधर उधर से थोड़ा बहुत मतलब पॉइंट सटा हुआ नजर आएगा, बस आपको लिखना आना चाहिए, जो भी मैंने ऊपर आपके डिस्कस कर दिया इतना आप लिख देना पेपर में, बहुत सफिशियंट होगा आपके लिए। तो ये बात पॉइंट हो गया यहाँ पे। चलो इस पॉइंट के बाद अगला चैप्टर चलते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाले। ठीक भाई, हुआ ये पॉइंट याद रखना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये देखो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके अंदर में आप सबसे पहले दो देश को बहुत ज्यादा से फोकस करो, एक अपना प्यारा भारत, एक यहाँ पे साउथ अफ्रीका। तो अगर आप यहाँ से कर लोगे साउथ अफ्रीका के बारे में, तो ये भी याद रखना साउथ अफ्रीका के बारे में, तो यहाँ से आप अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सारा चीजें गेम बनाने की बात की गई थी। जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्रता संग्राम, जैसे नेशनल मंडेला के लिए था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। देखो एक नेशनल मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे, इंग्लिश में भी है, क्लास आप 9th में पढ़ रहे हो 8th में पढ़ा होगा, तो ये भी पॉइंट याद था, नेशनल मंडेला ने ये किताब लिखी थी। कभी-कभी आपके एमसीक्यू में आ जाए या असेसन रीजन में आ जाए, तो आप यहां पे गलत करके मत आना किसी भी कंडीशन में। और संविधान क्या होता है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक या दस्तावेज है जिसे किसी देश के निवासी सामाजिक रूप से मानते हैं, और संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के माध्यम से आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों की सरकार के मध्य संबंध निर्धारित करता है। मतलब सरकार के साथ हम एक बॉन्डेड होकर चलते हैं। संविधान यह होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, हमारे जीवन का अधिकार, हमारी स्वतंत्रता, हमारी इंटीग्रिटी, जो हमारे सम्मान होते हैं, गौरव होते हैं सोसाइटी में रहने के लिए, सारी चीजों को एक ना अवेलेबिलिटी देता है संविधान। संविधान के अंदर ये सारी चीजें लिखा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए संविधान सभा का जो सबसे पहला बैठक था वो कब हुआ था, 1946 में होता, और संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और वहां पर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, B.R. अंबेडकर साहब थे। और संविधान सभा को जो बनने में समय, संविधान को जो बनने में समय लगा था, ये लगा था 2 साल, यहाँ पे 11 महीने, और यहाँ पे लगा था 18 दिन। तो ये भी पॉइंट होना चाहिए कि ये जो हमारे पास है ये 1949 में ये बनके तैयार हो गया था, कितने जे 26 नवंबर को, कितने भाई 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, और ये 26 जनवरी क्या भाई यहाँ पे 26 जनवरी को यहाँ पे जो है ये 1950 में क्या हुआ था, लागू किया गया था। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जिसे हम रिपब्लिक डे के हिसाब से मनाते हैं। तो यहाँ तक ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, समझ रहे बात को। 166 मीटिंग हुई थी जिसमें कि बहुत लंबा समय लग गया था। तो अगला पॉइंट, अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, संविधान की आवश्यकता और महत्व, संविधान सभा की या संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र के लिए, अच्छे समाज का गठन करने के लिए, नागरिकों को अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, सरकारों को अपनी कार्य शक्तियों को दुरुपयोग न करने के लिए, ये लोकतंत्र सरकार निर्माण और उसके कार्य तक तय करता है। मतलब जनता ही तो उसको चुन के भेजती है और जनता को उसका कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए भाई 5 साल के लिए टेन्योर होता है, हम चाहे तो 5 साल में किसी को बदल भी सकते हैं, किसी को ला भी सकते। यही सारी पॉइंटें होती हैं जो संविधान हमें एक अच्छे लेवल पे सारी चीजों को देता है। ठीक है, देखो अब कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण के समय की ही परिस्थितियां। अब एक पॉइंट पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान, अगर सपोज करो ये क्वेश्चन आ जाता है भारत के संविधान क्या बहुत आसानी से बन गया था, नहीं भाई बहुत सारी बलिदान देनी पड़ी और बहुत सारे संघर्ष के बाद भारत का संविधान बना था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इस फेवर में आपको क्या करना है, बुक को उठाना, बुक से 10 से 5 पॉइंट ऐसे लिख लेना है जो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप चिपका दो। ध्यान से सुनो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कोई सा भी है बस आपको रीड करके जाना, अगर नहीं पढ़े हो ना अभी तक मेरे भाई, प्लीज मेरे कहने से आप एक बार किताब उठाकर देखो, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा अंदर से कि भाई हाँ यार सच में पढ़ाई में बहुत मजा है। बस एक बार करके देखो मेरे भाई, बस कुछ नहीं करना आपको, किताब उठाने, जो जो टॉपिक बताए, जो जो पॉइंट बताए, कॉपी पर नोट डाउन करना है। ठीक है भाई, बस इतना सफिशिएंट, समझ लो, कोई शेर शेर नहीं, ऐसा ना हो कभी आप फर्री बनाने लग जाओ। ठीक है भाई, तो ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना यहाँ पे। चलो भाई ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो ये देखो बड़ी बात है, बहुत सारे आप देखो भारत का जो संविधान बना उस टाइम क्या था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेशिक था, मतलब ब्रिटेन भारत के ऊपर में राज करता, धार्मिक आधार पर देश को विभाजन किया गया, बड़ी मात्रा में 10 लाख से अधिक लोग की मौत हो गई, रिफ्यूजी समस्या सारनाथी जो एक जगह से दूसरे जगह चले गए, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फेस करना पड़ा, जो कि आपको पता है। यहाँ पे देखो संविधान निर्माण के समक्ष अनुकूल परिस्थितियां कहती, जब भारत का संविधान बन रहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क करके चलो, पेपर में 200% आपके छपने वाले हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस टाइम भारत का क्या स्ट्रक्चर था, देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 लिया गया, शामिल किया गया, विश्व के विभिन्न संविधानिक व्यवस्था को सीख लेना पड़ा, मतलब वहां से हमें चीजों को समझनी पड़ी, लोकतंत्र देश की बुनियादी
बातों पर सहमति देखनी पड़ी। 1928 मोतीलाल नेहरू संविधान सभा को लिखने का अनुभव लिखा गया था। औपनिवेशिक शासक काल को संस्थागत अनुभव किया कि भाई भारत को संविधान की क्यों जरूरत है, क्योंकि इतने सारे कारण थे कि जो भारत को संविधान की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि संविधान अपने हिसाब से काम करते जो हमने बना दिया है, इसलिए भारत जो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। अगर आप भारत से बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पर प्यार करते हो, एक फ्लैग जरूर होना चाहिए कॉमेंट सेक्शन में क्यों भाई सबसे पहले नेशन फर्स्ट ध्यान एनीथिंग, समझ रहे हो ना, पहले देश है हमारा देश है, फिर हम कुछ चीज़ें, समझ रहे हो मेरे भाई। आप लोग कुछ मत करना, कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर बोलना, ठीक भाई, समझ रहे हो भाई, हम देश के नागरिक हैं, हम भाई दुनिया से कभी डरने वाले थोड़ी है, समझ रहे हो भाई। कमेंट सेक्शन में जय हिंद होनी चाहिए, देखते हैं आज कमेंट सेक्शन में कैसे कैसे जय हिंद होते, दूसरा बंदा देख के भूल जाएगा भाई हो क्या रहा क्लास में, समझ रहे हो। थैंक यू मेरे भाई इतनी सारी चीज़ों को समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बस आप इसी तरह से अपने जीवन में कामयाब बनो, खूब आगे चलते रहो, बस आगे सब कामयाबी मिल सकती है आपको, ठीक है। एक ये भी देख के जाना प्रिंबल्स के बारे में, क्योंकि कभी कभी ये आ जाता है न्याय स्वतंत्रता समानता इन सब के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समझ गए भाई। यहाँ पे उद्देश्य का प्रस्तावना क्या था, प्रस्तावना में देखो क्या क्या लिखा है, तो प्रस्तावना जो जो आपके ऊपर देखा, प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, पथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय है, स्वतंत्रता समानता, बंधुत्वचारा, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है भाई। तो अगला पॉइंट आपको यहाँ से बता देता हूँ, गणराज्य होगा, स्वतंत्रता समानता आप कर ही दोगे, जिसमें कि आपके पास एक नंबर के क्वेश्चन आपके सामने यहां पे आ रहा है कि ये देखो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि यहां पे नेशनल मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे, ये आपको होता है 33 के ऊपर रहे थे। यहां पे नेशनल मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था, ये बताओ कौन सी आत्मकथा उसने लिखी थी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो इसी तरह के क्वेश्चन बने यार, ज्यादा आपका वेरी नहीं बनेगा क्वेश्चन, लेकिन हाँ एक ही पॉइंट याद रखना, बढ़िया लेवल पे सही तरीके से मैचिंग भी आपकी आ सकती, तो इस मैचिंग को आप तैयार करो कि ये जो है यहां पे ये जो नौवां क्वेश्चन है आपके पास ना भाई मैचिंग भी देखने को मिल सकता है कि आप मैचिंग करके बताओ, तो ये सारे चीजों को आप अच्छे तरीके से करके जाना। मैचिंग क्या है, मोतीलाल नेहरू आपका 1925 में ये संविधान की इसकी बात की थी, यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे अध्यक्ष, मतलब कि यह प्रारूप कमेटी के, यहाँ प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ सभी इसके अध्यक्ष थे, और यहाँ पे अध्यक्ष संविधान सभा के थे, और यह रजनी नायडू क्या थी, ये सदस्य थी। ये आपका कंप्लीट हो गया, देखो भाई बिना देखे आपका आपने आंसर कर दिया, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, क्योंकि आपने देखा इंग्लिश साइंस के बाद में कि ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज करे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप करके चलो बस पेपर उखाड़ दो भाई, ठीक है। इतना तक समझ आ गया भाई, अगर लाइक नहीं किया कर लो, नहीं हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि भाई आने वाली सारी चीजों का नोटिफिकेशन आप तक आ पाए, और भाई आप दुनिया में पूरे YT की दुनिया में आपके पास एक जेन्युइन कंटेंट मिल पाए 110%, समझ रहे हो, ओरिजिनल ही होगा, आपको पता चल गया होगा, ठीक भाई समझ गए। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखे, आपके 5 पॉइंट ये भी पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पता होना चाहिए, और संविधान के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, तो संविधान से रिलेटेड आप 10 पॉइंट बना के चलो, जिससे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन आए आप बढ़िया से लिख पाओ, ठीक है भाई समझ गए। यहाँ पे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, एक ये पॉइंट तैयार कर लो, उसके बाद में संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, और संविधान में संशोधन क्यों तात्पर्य है। तो मेरे भाई ये अगर आपने ये 3 क्वेश्चन कर लिया, तो मे बी आप यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कर जाओगे 3 नंबर का, जो ये संशोधन है, एक पॉइंट याद रखना, ये जो संशोधन है इस वाले पॉइंट पे आपके बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है, संविधान हमारा बहुत ज़्यादा कठोर है, इसके अंदर हम कोई भी चेंज बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, और लचीला भी है कर भी सकते हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले कुछ भी चीज़ करना पड़ता है तो संशोधन करना पड़ता है। आज तक हमारे देश में 105 संशोधन हो चुका है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझ रहे बात को। कभी कभी ना आप बड़ी क्लास में पढ़ो तो छोटा संविधान किसको कहते हैं, तो छोटा संविधान जो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, किसको, 42वें संविधान संशोधन, जिसने कि 1976 में हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखना, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार करते हो तो भैया आप डंका बजा सकते हो पेपरों के अंदर में, समझ गए भाई। और केस बेस भी आपके कुछ इसी तरीके का आ सकते हैं, तो केस बेस आप अच्छे से कर लो। और भाई इकोनॉमिक्स में पीपल रिसोर्सेज से आप एक क्वेश्चन है वहां से आप थोड़े बहुत देख लो, क्योंकि भाई यहां से ना आप एक बार पढ़ लोगे ना, अगर इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी पढ़ लोगे तो वो वाला क्वेश्चन आप वहां से बना दोगे, 3 नंबर के एक क्वेश्चंस बनेंगे, तो प्लीज आप उसे एक बार देख लेना। बस आप लोगों ने अगर यहां तक देखा है तो प्लीज यार आप लोग एक बार अपने कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आप लोग को क्लास कैसी लगी, जो भी चीज हो आप लोग टेंशन मत लो, इसके बाद भी तुम्हारा जीवन हमेशा हम बने रहेंगे, टेंशन मत लेना, कभी आपको गिरने नहीं देंगे एजुकेशन में, बस ये आपका सपोर्ट चाहिए, जो भी चीज होगा भाई हम सब आप साथ मिलकर चलेंगे, समझ रहे बात को, हमेशा डंका बजा। और अपने इस SSP से भाई हमेशा हजारों बच्चे निकले हैं भाई पढ़ के, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो हमेशा सक्सेसफुल रेस के साथ में, क्लास 10th का भी रिजल्ट आप देख सकते हो, आप लोग क्लास 10th में आओगे शुरुआत से क्लास चला देंगे, आप टेंशन मत लो, बस इस तरह से सपोर्ट बनाए रखो, कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट करना, और इन सब क्वेश्चन को आप करके जाना, ऑल द बेस्ट आप सभी को, ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।